डायफेंटाइन इक्वेशंस। क्या मतलब होता है डायफेंटाइन इक्वेशंस का? तो ऐसी देखो मीनिंग क्या होता है इसका, मतलब क्या होता है डायफेंटाइन इक्वेशंस का। देखो बच्चों, ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशंस जिसमें दो या दो से ज्यादा अपने वेरिएबल्स इन्वॉल्व रहे और जिसके सॉल्यूशंस केवल इंटीग्रल सॉल्यूशंस। अगर हम लोग इसको समझे तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, अ पॉलिनोमियल इक्वेशन हैविंग टू और मोर वेरिएबल्स, दो या उससे ज्यादा वेरिएबल्स रहे विद इंटीग्रल सॉल्यूशंस ओनली। ऐसी इक्वेशंस को हम लोग डायफेंटाइन इक्वेशंस कहेंगे, ठीक है? ऐसी इक्वेशंस को हम लोग डायफेंटाइन इक्वेशंस कहेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि इसकी सिचुएशन में, जैसे अब आपको इक्वेशन सॉल्विंग का एक बेसिक प्रिंसिपल सबको पता है। इक्वेशन सॉल्विंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ वेरिएबल्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, ये तुम्हारा शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस। ये हम लोगों का नॉर्मल इक्वेशन सॉल्विंग का प्रिंसिपल होता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो होने चाहिए नंबर ऑफ इक्वेशंस के बराबर होने चाहिए। ये इक्वेशन सॉल्विंग का बेसिक प्रिंसिपल होता है। लेकिन यहां पे क्या होगा नॉर्मली, यहां पे ये तो होगी तुम लोगों की आम जिंदगी, ठीक है? ये तो होगी तुम्हारी नॉर्मल लाइफ, दिस इज नॉर्मल लाइफ। अब देखो डायोफेंटाइन लाइफ कैसी होती है। डायोफेंटाइन लाइफ में क्या होता है, दिस इज नॉर्मल लाइफ जो हम लोग सॉल्व करते हुए आते हैं, नॉर्मल लाइफ में आम जिंदगी जिसको बोलते हैं। अब देखो डायोफेंटाइन लाइफ कैसी होती है, इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें होगा नॉर्मली आपको इक्वेशंस कम दी रहती हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये सिचुएशन। ऐसा रहता है नंबर ऑफ इक्वेशंस जो होती है वो लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जितने आपके वेरिएबल्स हैं उससे कम ही इक्वेशंस हैं, ठीक है? ये डिफरेंस हो गया नॉर्मल आपकी जो लाइफ होती है उसमें और डायफेंटाइन लाइफ जो होती है उसमें, तो अब इसमें एक चीज हमेशा रहती है कि जो सॉल्यूशन आना है वो हमेशा इंटीग्रल ही आना है। इसमें एक चीज हमेशा ये दी रहती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि इसमें जो सॉल्यूशन आना है वो हमेशा इंटीग्रल रहेगा। ये चीज आपके साथ है डायफेंटाइन इक्वेशंस में, ये चीज आपके साथ है कि जो नॉर्मल इसमें आपको सॉल्यूशन मिलना है वो आपको इंटीग्रल ही मिलना है। नॉर्मल लाइफ में आपके सॉल्यूशन इंटीग्रल हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो ये सिचुएशन है। अब देखो यार, ये सब इक्वेशंस आपके टाइप होते हैं, लीनियर हो सकती है, होमोजीनियस हो सकती है, एक्सपोनेंशियल हो सकती है, तो इसके बहुत सारे टाइप होते हैं। लेकिन हम लोग इसके सारे टाइप्स नहीं पढ़ेंगे बच्चा, हम लोग इसके सारे टाइप्स नहीं पढ़ेंगे। समझे? हम लोग इसके सारे टाइप्स नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसके कुछ ही टाइप्स पढ़ेंगे जो अपने पीआरएमओ के सिलेबस में काम आएगा। हम लोग बगैर काम की चीजें कुछ नहीं पढ़ेंगे, पीआरएमओ के सिलेबस में जो काम आएगा उन चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है? और ये जो तरीके हम लोग सीखेंगे ना, वो मेथड बाई मेथड सीखेंगे, मेथड बाई मेथड पढ़ेंगे। और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है, दैट इज मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो हम लोग डायफेंटाइन लाइफ में फैक्टराइजेशन वाले मेथड के ऊपर हम लोग आज की पूरी क्लास डेडिकेट करेंगे। और जब आज की क्लास खत्म हो जाएगी ना, तो तुम लोग ये करोगे, सर वाओ,
ये चीज तो सर हम लोगों की जिंदगी में थी नहीं, कितनी बढ़िया चीज हम लोगों ने आज सीखी। ये आज की क्लास के बाद तुम लोग बोलने के काबिल हो जाओ, ठीक है? तो हम लोग जो पहला मेथड सीखेंगे, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, आज की क्लास में इस पे हम लोग पूरा बात करेंगे, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड पे पूरा बात करेंगे। डाइफेंटाइन इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व किया है। काफी लोगों के प्रॉब्लम होते हैं, जो लोग पीआरओ की तैयारी में नए नए घुसे होते हैं उनको इस तरह के बहुत सारे सवाल देते हैं लोग। जैसे मैंने दिया आपको एक इस तरह का सवाल दिया, 2 अपॉन x + 3 अपॉन y = 2, जैसे मैंने इस तरह का सवाल, और मैंने आपसे इस क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई। ये भाई साहब एक बहुत ही आसान सवाल हो गया कि आपको इसमें नंबर ऑफ इंटीग्रल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई निकला। अब देखो ये सोच जो है ना इस सवाल को सॉल्व करने की, इसको बस देखना कि कैसे इसको अप्रोच कर रहे हैं। उसी तरीके से हम लोग लीनियर के, ये तो देखो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें डिग्री ज्यादा नहीं होगी। अभी आप देखोगे और फैक्टराइजेशन का मेथड पकड़ोगे तो ज्यादा डिग्री के क्वेश्चन भी सॉल्व करना सीख जाओ। तो एक सवाल पहले मैं इस तरीके का ट्राई करवा रहा हूं कि कैसे अप्रोच करते हैं। आप देखो और सीखो, और सीखने के बाद फिर मैं तुम लोगों को ढेर सारे क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए दूं। देखो किस तरीके से अप्रोच करते हैं। सबसे पहली चीज को सिंप्लीफाई करता हूं, सिंप्लीफाई कर डालो। सबसे पहली चीज सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2y + 3x = x। सिंप्लीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारे टर्म्स को एक साइड ले आओ, 2y + 3x - xy = 0। अब मैं तुम लोगों को फैक्टराइजेशन वाला मेथड बता रहा हूं, और यहाँ पे आप देखोगे सर यहाँ पे तो तीन, हमारे पास तीन चीजें हैं और इनको फैक्टराइज कैसे करें। आप लोग पहले सबसे पहले ये कहोगे कि हमारे पास तीन चीजें तो उसको फैक्टराइज कैसे करें। तो देखो कैसे अप्रोच किया जाता है इसको फैक्टराइजेशन में। इस चीज को सब लोग ध्यान से देखना कि कैसे मैं इसको फैक्टराइजेशन के लिए अप्रोच करूं। मैंने सोचा कि मेरे पास 2y है, मेरे पास xy, इन दोनों को एक साथ बिठा। तो जब मैंने इन दोनों को एक साथ बिठाया 2y xy को, बचा मेरे पास 3x अकेला। अब क्या हुआ, मैंने सोचा कि यार इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, y कॉमन दिख रहा है साफ साफ और बचेगा 2 - x। अब इसके हिसाब से ये जो 2 - x है इसके हिसाब से मैं 3x वाले में ऐसा कुछ जोड़ूंगा जिससे 2 - x यहां से भी मिल जाए। अब यहाँ 3x है, अगर मैं -6 दोनों साइड कर दूंगा तो ये यहां से 3 कॉमन लेके हमको मिल जाएगा x - 2। बोलो ये चीज चमक में आई, ये चीज अगर समझ में आई हो तो आपको इस तरह के सारे क्वेश्चंस एक लाइन से सॉल्व कर लोगे, और अगर ये चीज नहीं समझ में आई होगी तो नहीं करता हूं। इस चीज को बता दो, जो मैंने 6 को ऐड किया उसका आइडिया समझ में आया कि नहीं, जो मैंने 6 को ऐड किया उसका आइडिया समझ में आया कि नहीं आया, 6 जो ऐड किया है उसका आइडिया कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ये बताता हूँ। थॉट प्रोसेस क्या था? अच्छा आप लोगों में से कुछ बोलोगे सर हमने वाई के साथ ही क्यों लिया, तो भाई साहब आप फ्री हो इस चीज के लिए, हम लोग नहीं चाह रहे वाई के साथ नहीं लेना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक्स के साथ भी ले सकते, इसको इधर ले आए, इसमें से देख लिया, इसमें से देखोगे तो 2y को अलग रहने दो, अभी x कॉमन लेके 3 - y हो जाएगा ये, इसको देख लिया। तो ये 3 - y मुझे इसमें से बनाना है, इसमें y है 3 और चाहिए, तो मैंने क्या किया -6 दोनों साइड ऐड कर। तो अब ये बड़े आराम से क्या दे देगा, माइनस अगर कॉमन निकाल दोगे ना, -2 कॉमन निकाल दो तो ये अपना 3 - y ही बन जाएगा। देखो बच्चों एक बार फिर से देखो, अगर ये समझ में आया तो, नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ कि मैंने ये जो बनाया है 3 - y का फैक्टर दोनों जगह जो बनाया है क्यों बनाया है और कैसे बनाया, बस ये समझ लो। अगर ये समझ लोगे तो आपका सवाल हो गया सॉल्व, क्योंकि अगले स्टेप में हमें दिख रहा है कि 3 - y कॉमन लेने के बाद अब सवाल में केवल x - 2 बचेगा = -6। इसको चाहो तो -4, ये माइनस इसको अंदर दे दो,
ये बन जाएगा वाई माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू सिक्स। तो अब देखो, अगर एक y माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस टू सिक्स बन गया, तो ये चीज ऐसे लिखी हुई है जैसे मैंने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि एक्स वाई इंटीजर है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इक्वल्स टू सिक्स। ये आपका मेन चीज है इसमें। एक बार आपने फैक्टराइजेशन कर लिया, यहां तक पहुंच गए, तो ये चीज ऐसे लिखी हुई, क्योंकि y इंटीजर है, x भी इंटीजर है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर सिक्स हो, ये लिखा हुआ। तो ऐसा कब होता है, जब एक उसमें से वन हो दूसरा सिक्स हो। ये तो पॉजिटिव्स के लिए देख लेते हैं, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, माइनस वन माइनस सिक्स के भी हो सकते हैं और माइनस टू माइनस थ्री के भी हो सकते हैं। ये हमारे पास सिक्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स लिखने के चार तरीके हो गए। ये देखो, सिक्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स लिखने के चार तरीके हो गए, ये देखो और बताओ समझ में। क्योंकि इंटीजर पूछा गया तो नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, तो इस पॉसिबिलिटी को हम लोग नकारेंगे नहीं। इंटीजर अगर पूछा गया तो पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर दोनों ही हो सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज को हम लोग लेके रखें, दोनों ही पॉसिबिलिटीज को हम लोग लेके रखें। इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो दोनों इन पॉसिबिलिटीज को हम लोग लेके चलें। देखो और मुझे बताओ अगर समझ में आया है। देखो बच्चों, अगर समझ में आया तो मुझे बताओ। सारे लोग देख बताओ मुझे भाई, समझ में आया कि नहीं है। अब देखो, जो चीज मैं करने वाला हूँ वो एक अपन जो टेस्ट लिए थे, हम लोग जो टेस्ट किए थे उसमें ऑलरेडी एक बार कर चुके थे। जो ये नेक्स्ट चीज जो मैं करने वाला हूँ, एक टेस्ट हम लोगों का हुआ था उसमें कर चुके थे ये चीज ऑलरेडी। क्या किया था हम लोगों ने, देखो हम लोगों को कंडीशन मिल गई, इक्वेशन मिल गई हम लोगों को एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री, ऐसा ही मिला है, कहीं मैं उल्टा तो नहीं लिख दे रहा हूं। एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री मिला है, वाई माइनस थ्री एक्स माइनस टू, ठीक है, वाई माइनस थ्री है एक्स माइनस टू, वाई माइनस थ्री है एक्स माइनस टू। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या सोचा कि यार ठीक है, मेरे पास चार पॉसिबल केसेस हैं। सिक्स को वन इंटू सिक्स लिख सकता हूँ, टू इंटू थ्री लिख सकता हूँ, माइनस वन इंटू माइनस सिक्स लिख सकता हूँ, और माइनस टू इंटू माइनस थ्री, ये हमारे पास चार केस। अब ये केसेस से आप सॉल्व कैसे करोगे, देखो पहली चीज, एक्स माइनस टू को वन रख दिया, उस टाइम पे वाई माइनस थ्री को सिक्स, एक चीज इनको पलट दो, एक्स माइनस टू को सिक्स रख दो, वाई माइनस थ्री को वन रख, तो ये निबट गया। वैसे ये x माइनस टू को टू, वाई माइनस थ्री को थ्री, एक्स माइनस टू को थ्री, वाई माइनस टू को, ये भी निपट गया। वैसे ही आप रखोगे x माइनस टू को माइनस वन, वाई माइनस थ्री को माइनस सिक्स, वैसे ही आप रखोगे x माइनस टू को माइनस सिक्स, पलट दो इनको, वाई माइनस थ्री को माइनस वन, ये भी हो गया। x माइनस टू को माइनस टू, वाई माइनस थ्री को माइनस थ्री, और x माइनस टू को माइनस थ्री, और y माइनस थ्री को माइनस टू, ये मैंने पुट कर दिया। अब यहां पे आपके लिए आसानी क्या है, आसानी ये है यहाँ पे आपके लिए कि जो x और y है वो आपका, जैसे
वन इक्वेशन और वन वेरिएबल है ना, उस तरीके से निकल जा रहा है। यहाँ से एक्स और वाई आ जाएगा 3.9, यहाँ से एक्स वाई आ जाएगा 8.4, यहाँ से एक्स वाई आ जाएगा 4.6, यहाँ से एक्स वाई आ जाएगा 5.4, यहाँ से एक्स आ जाएगा 1, वाई आ जाएगा -3, यहाँ से आ जाएगा एक्स -4, वाई आ जाएगा 2, यहाँ से एक्स हो जाएगा 0 और वाई भी 0 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा एक्स अपना -1 और वाई हो जाएगा अपना तो -1 का। तो अपनी ओरिजिनल इक्वेशन थी 2/x + 3/y। अब देखो ऐसे आंसर नहीं निकल लगा देना, यहां से दिख रहा है 8 सॉल्यूशंस हैं लेकिन ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये दिख रहा है ना साहब सब कि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अच्छा 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये देख लो अच्छे से क्यों नहीं करेगा, देख लो अच्छे से 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा अच्छे से देख। तो जो हम लोग आंसर लगाएंगे ना उनको एकदम अंधे होके नहीं लगाएंगे, उनको देख लेंगे कि हमारे आंसर सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर। जो आंसर है हमारे उनको ऐसे अंधे होके नहीं लगाएंगे, देख के लगाएंगे कि सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर। समझ गए बालकों? आंसर जो है हम लोग देख के लगाएंगे, ऐसे इतना एक्साइटेड होके नहीं लगा भी। तो इसमें कितने पेयर्स बने भाई? फोर्थ इक्वेशन में y-3 होगा, क्या गड़बड़ है? हाँ सॉरी, ये y-3 होगा ठीक है, तो दिस वुड बी 5 ठीक है। ठीक है मैंने ठीक कर दिया है। आए बच्चों ये समझ में, देख लो अच्छे से। बच्चों ये देख लो अच्छे से, समझ में आया कि नहीं आया? कितने सॉल्यूशंस आ गए भाई? 7 पेयर्स आ गए, 7। आपका आंसर जो हो जाएगा इसमें 7 ठीक है। तो भाई अब जिंदगी में ऐसा सवाल जो आएगा ना, अब उसमें कभी दिक्कत नहीं होगी आपको, जिंदगी में ऐसे क्वेश्चन में कभी आपको दिक्कत नहीं। लाइफ में अब आपको ऐसे सवाल में दिक्कत नहीं होगी पूरी लाइफ में। हो गया बच्चों? चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए देते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू पीपल। (1/a + 4/b) (1/5)। इसको जरा सिंप्लीफाई करो और इसमें आपको निकालना है नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव
इंटीग्रल पेयर्स। एक काम करते हैं, छोटा नंबर ले लेते हैं, कम से कम तुम लोगों को दिक्कत ना हो। ये 2 ले लो और यहां पे ले लेते 3, तुम लोगों को दिक्कत। चलो जरा इसको सॉल्व करो, अच्छे से करो सॉल्व, जरा इसको सॉल्व करो बच्चा। सॉल्व करो बच्चा, हो गया, किसी ने सॉल्व कर लिया है। 2 अर्जुन पटेल बोल रहा है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पेयर्स तो आए इसके। चलो डिस्कस किया जाए बच्चों। डिस्कस किया जाए, देखा जाए, देखते हैं किसका सही है। लेट अस सी किसका सही है, लेट अस सी किसका सही है बच्चा। देखो कैसे सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले इसको b प्लस 2a अपॉन ए बी इक्वल्स टू 1/3 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3b प्लस 6a इक्वल्स टू आ जाएगा। सबको एक साइड ले आओगे तो 3a प्लस 6b, 3b प्लस 6a माइनस ए बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो यहां से दिख रहा है कि अगर हम देखो, आप किसी भी तरीके से चाहे ए को कॉमन ले लो चाहे बी को कॉमन ले लो, वरना आपका
जैसे मैंने इन दोनों को उठा लिया, बी कॉमन ले लोगे तो 3 - a बन जाएगा। अब मेरे पास 6a है, 3 और चाहिए कॉमन लेने के लिए, तो 6 को कॉमन लोगे तो a में से 3 को माइनस कर दो। अब देखो ये जो माइनस किया गया है ये प्लस का 18 बनेगा। तो अब इसमें से देखना देखना कैसे कर रहे हैं। इसमें से अगर आप a - 3 - 1 को, अगर आप 3 - 1, तो यहां से एक माइनस आ जाएगा, b - 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा सामने 18 पहुंच जाएगा। और इस माइनस को अगर इसके अंदर दे दोगे तो आ जाएगा a - 3 × b - 6 = 18। अब 18 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स कैसे लिखते हैं? देखो इस बार फिर से हमें वैसे ही अप्रोच करना है, जो हमारे ऑर्डर पेयर्स आएंगे उनको हम लोग रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते जाएंगे। तो 18 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 1 × 2 18 हो जाएगा। तो भाई साहब अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है इससे अपने दो पेयर बन जाए। सॉल्व मत करो, क्योंकि एक बार a - 3 को 18 रख, एक बार a - 3 को 1 रखोगे, b - 6 को 18 रखोगे, एक बार a - 3 को 18 रख दो, b - 3 को 1, b - 6 को 1, दो पेयर बन, 2 × 9 के भी दो पेयर बन जाएंगे। ये भाई डायरेक्ट कर रहे हैं, टाइम अपना बचा रहे हैं। 3 × 6 के भी दो पेयर बन जाएंगे, क्योंकि सारे पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। ये तो पॉजिटिव्स में हो गए, फोर्थ से पॉसिबल नहीं है। 6 × 3 इसमें काउंट हो जाएगा, 9 × 3 इसमें काउंट हो जाएगा, 18 × 1 इसमें। अब नेगेटिव्स को देखते हैं, -1 × -18 ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि जैसे ही या तो b - 6 को 18 रखोगे या a - 3 को 18 रखोगे। देखो ये क्यों पॉसिबल नहीं होगा, ये क्यों पॉसिबल नहीं होगा? जैसे आपने रखा a - 3 को -1 और b - 6 को -18, तो ये क्वांटिटी इसकी नेगेटिव क्वांटिटी से छोटी है, इसलिए इसको नहीं ले सकते। इसको ले सकते थे, ये 2 हो जाएगा, लेकिन ये -12 हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं। वैसे ही 2 × -2 × -9 भी रिजेक्ट हो जाएगा, वैसे ही -3 × -6 भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर -3 × -6 में एक पॉसिबिलिटी तो ये बन रही है, ये पॉसिबिलिटी तो आपकी बन रही है कि भाई b - 6 को -6 रख दिया जाए। तो भाई यहां से a और b दोनों 0 0 आ जाएंगे, इसलिए ये पॉसिबिलिटी भी रिजेक्ट। तो ऐसे अभी कोई बच्चा बोल रहा था सर अगर कोई बड़ा नंबर होगा तो कैसे करेंगे? भाई आपको तरीका समझ में आ गया, अब आप थोड़ा सा ये तरीका भी सीख लो कि हर बार आपको ये नहीं करना होगा कि a - 3 को 1 रख दिया, b - 6 को 18 रख दिया, फिर a - 3 को 18 रख दिया, b - 6 को 1 रख दिया। हर बार ये नहीं करना होगा बच्चा, एवरी टाइम यू डोंट हैव टू डू दैट। ये समझ में आया कि नहीं आया? हर बार आपको ये चीज नहीं करनी पड़ेगी। तो यहां से आपको ओनली 6 पेयर्स मिले, ये 6 पेयर्स आंसर बन गए, क्योंकि इस बार आपको नॉन नेगेटिव अर्थात पॉजिटिव या फिर 0 0 इसमें वैलिड नहीं है, इसलिए नॉन नेगेटिव ही चाहिए। देखो बहुत ही आराम से देखो और मुझे बताओ अगर नहीं समझ में आया तो मैं एकदम बता दूंगा मैं फिर से। बहुत ही आराम से देखो, अगर नहीं समझ में आया तो मैं बहुत ही आराम से देखो। मुझे बताओ कि अगर नहीं समझ में आया तो कैसे। देख लो अच्छे से, तो रहा हूं राघवेंद्र, बड़े नंबर में आपको यही करना पड़ेगा बस इतना। रिजेक्ट एक्सेप्ट, कौन सा लेना है कौन सा छोड़ना है ये करते जाओ, हो जाएगा। समझे? ठीक है, चलो।
तो इसमें देखो नेगेटिव्स के भी हो सकते हैं, जैसे मान लो मैंने आपको ये दिया तो इसको तो आप घर पे ट्राई कर लेना। जैसे मान लो दिया मैंने 5 अपॉन a -2 अपॉन b इक्वल्स टू टू, जैसे मैंने ये देखा, तो ऐसा सवाल भी पॉसिबल है, तो इसको आप ट्राई करना घर पे, ट्राई एट होम, घर पे इसको ट्राई करना बच्चा। ठीक है, कि अभी करना चाहोगे ट्राई, कि अभी ट्राई करना चाहोगे घर पे, ट्राई करना चाहोगे कि अभी ट्राई करना चाहोगे? आपको फाइंड वही करना है, क्वेश्चन वही है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉम, फाइंड आपको ये है। फाइंड आपको ये, ठीक है, तो इसको भाई सब लोग ट्राई करना घर पे, इसको सब लोग ट्राई करना घर पे। तो हम लोग तब तक दूसरा टाइप देख लेते हैं, मतलब दूसरे एग्जांपल्स देख लेते हैं फैक्टराइजेशन में, कि और फैक्टराइजेशन कैसे भी? और किस तरीके से फैक्टराइजेशन है। और कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन को अप्रोच करें, देखो अब जैसे मैंने एक बताया जिस पर डिग्री कम थी, अब थोड़ा सा बड़े डिग्री, ठीक है, थोड़ा सा बड़े डिग्री, ये x² + 6xy +8y² +3x+6y=2। इसमें हमें बताना है फाइंड द, वही देखो पीआरएम में पूछा जाएगा, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स करके ही पूछा जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स। तो अप्रोच कैसी रहेगी इसमें, देखो मैंने डिग्री क्वार्टर टिक कर दी, पिछले वाले में भी आप कर सकते हो सेम तरीके से, इसमें मैंने एक डिग्री बढ़ाऊं, मतलब एक डिग्री का नंबर ऑफ टर्म्स भी इंक्रीज हो गए और ये थोड़ा सा फैक्टराइजेशन में भी बड़ा सा लग रहा है। तो कैसे अप्रोच करोगे, देखो अगर इसमें पावर 2 है, तो पावर 2 है तो हमें पहला थॉट आएगा क्वाड्रेटिक का, और क्वाड्रेटिक में थॉट आएगा परफेक्ट स्क्वायर, थॉट बता रहा हूं मैं, परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये चीज में हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं, तो फिर हमारा सेकंड थॉट रहेगा कि इसमें फैक्टर्स की कोशिश, इसमें फैक्टर्स बनाने की कोशिश, ये हमारे 2 थॉट। ठीक है, देखो मैं ये बता रहा हूं कि सोचेंगे हम लोग किस तरीके से, किस प्रकार हम लोग सोचेंगे। तो मैंने ये बताया कि पहला थॉट हमारा रहेगा कि परफेक्ट स्क्वायर अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है तो नॉर्मल फैक्टराइजेशन से ट्राई करें। अब ये थॉट क्यों आया परफेक्ट स्क्वायर बनने का, क्यों आया, क्यों ये थॉट, इसका रीजन भी समझो। x² का टर्म है, 6xy का टर्म है, तो जैसे यहाँ पे 8x8y², मतलब x² भी है, y स्क्वायर भी है, xy भी है, देखो x² भी है, y स्क्वायर भी है, xy भी है, तीनों चीजें, तीनों चीजें। तो अगर मैंने सोचूं कि x² तो एक ही बार है, तो जरूर x के साथ किसी y का होल स्क्वायर बनेगा, तो x के साथ किस y का होल स्क्वायर बनेगा, या लेफ्ट साइड किस तरीके से फैक्टराइज होगी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं एक्स के साथ किसी वाई का होल स्क्वायर बनाऊं, तो उसके लिए मुझे 3 टर्म्स चाहिए, 3 टर्म्स, और 3 टर्म्स के बाद बच जाएगा केवल 3x और 6y। तो मेरा ध्यान थोड़ा सा 3x और 6y पे गया, मैंने सोचा कि अगर ये 3x और 6y अगर हमारे कुछ काम आ जाए, देखो कैसे,
ये तो साफ साफ कह रहा है कि मुझमें से 3 कॉमन लेके एक्सप्रेस 2 y बना दो, और इसी ने पूरे सवाल का बता दिया कि अब जो परफेक्ट स्क्वायर आप बनना है कि किसका बनना है। परफेक्ट स्क्वायर हमें जो बनाना है वो एक्स स्क्वायर या एक्स प्लस 2 y का होल स्क्वायर बना। तो एक्स प्लस 2 y के होल स्क्वायर को बनाने के लिए ये सामग्री चाहिए। इसके बाद हमारे पास बचता क्या है, एक तो 2xy बच गया, एक बच गया 4y स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ रख देते हैं, और एक बच गया हमारे पास 3 कॉमन लेके x प्लस 2y, लास्ट वाले दो टर्म्स इनको एक साथ रखते हैं। ये तो बड़े आराम से बन गया x प्लस 2y का होल स्क्वायर। इसमें से भी अगर आप 2y कॉमन निकाल दोगे तो ये x प्लस 2y बन जाएगा, और उसमें से 3 कॉमन निकाल दोगे तो x प्लस 2y। देखो कितने प्यार से पूरे में से x प्लस 2y कॉमन आ गया। एक बार x प्लस 2y को कॉमन निकाल दोगे तो बचेगा x प्लस 2y, यहां से बचेगा 2y अगेन, और यहां से बचेगा 3 इक्वल्स टू। तो ये पूरा हो जाएगा x प्लस 2y, और ये पूरा अपना हो जाएगा x प्लस 4y प्लस 3। इस बार हमें दो वेरिएबल में फैक्टर्स, और सामने 2 है तो 2 तो बहुत ही प्यारा नंबर है, क्योंकि 2 को एक बार 1 into 2 करके लिखेंगे, एक बार -1 into -1। ठीक है, तो जो चालाक होगा उसको पूछा गया नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ये इंटीग्रल पूछे गए हैं, तो जो भाई चालाक होगा अपना वो ये देखो भाई, अब मैं ये बता रहा हूं कि आपको नंबर बताने के लिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप x प्लस 2y को 1 रख दोगे, इस बार इसको 2 रखो, उससे एक पेयर मिल जाएगा, फिर इससे इसको 1 रखा, इसको 2 रखा, एक पेयर यहां से एक्स वाई का एक पेयर मिल जाएगा, इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व। दूसरा पेयर इसको 2 रख दो और इसको 1 रख दो, उससे मिल जाएगा, और तीसरा पेयर इसको 1 -1 और इसको -2 रख दोगे, और चौथा पेयर मिल जाएगा इसको -2 और -1। तो नॉर्मली हमें 4 पेयर्स का प्रेडिक्शन। अब देखो यहां पे थोड़ा सा हमें एक चीज के बारे में कॉशियस रहना होता है कि यहाँ की जो x प्लस 2y है, यहां से x और y का इंटीग्रल आना जरूरी है। इसलिए हम लोग ये जो अप्रोच करते हैं ना, कि जैसे मैंने इसको 1 रख दिया, इसको मैंने 2 रख दिया, तो यहां से तो ठीक है यही आ जाएगा इक्वेशन x प्लस 4y इक्वल्स टू -1। जब इसमें से इसको घटा दोगे तो 2y इक्वल्स टू -2 आ जाएगा, y आ जाएगा -1, y को -1 यहां रख दोगे तो आ जाएगा x प्लस 2y। तो जैसे मैंने ये सॉल्व किया है वैसे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि एक बार x प्लस 2y को 2 रख दो, अब इसको रख दो 1। इनको फिर इसके लिए भी 2 इक्वेशंस बना के सॉल्व करोगे, तो आपको ये चीज चेक करनी होगी कि सब हर एक से जो पेयर आए वो इंटीग्रल आए। बस ये चीज के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हर इक्वेशन से जो पेयर आए वो इंटीग्रल। तो इसको आप, अब मैं तुम्हारे मजबूत कंधों पे छोड़ रहा हूं, इसको तुम लोग सॉल्व, अब मैं तुम लोगों के मजबूत कंधों पे छोड़ रहा हूं कि इसको आप लोग सॉल्व करें। तो अगर स्क्वायर होगा तो क्या करना है ये समझ में आया? अगर स्क्वायर होगा तो क्या करना है ये अप्रोच समझ में आई? बोलो, देखो और बताओ अगर नहीं समझ में आए। अब जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस टेलीग्राम पे आप पूछोगे ना तो सॉल्व हो जाएंगे आज, बहुत सारे क्वेश्चंस टेलीग्राम पे आप पूछोगे जो मैं शेयर करता रहता हूं, तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपसे जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, पॉलिनोमियल इक्वेशंस हो, डायोफेंटाइन पॉलिनोमियल्स के अलावा एक्सपोनेंशियल के लिए भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों? तो एक क्यूबिक और बताता हूं, क्यूबिक में कैसे फैक्टराइजेशन करना है। सर पीआरएमओ ग्रुप पर भी भेज दीजिएगा। अरे टेलीग्राम चैनल पे है ना अपना,
टेलीग्राम चैनल पे है ना, उस पर देखा करो क्वेश्चंस की क्वेश्चन धड़ाम धड़ाम धड़ाम। अब एक क्यूबिक का और देते, अब हम लोग एक क्यूबिक का और देते, तो जैसे मैंने क्यूबिक का एक क्वेश्चन दिया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 60। तो मैं तुम लोगों को इसमें बताऊंगा कि फैक्टराइजेशन कैसे सोचेंगे, फैक्टराइजेशन कैसे हम लोग हर एक सवाल में फैक्टराइजेशन का थॉट लेके आ रहे, ठीक है, फैक्टराइजेशन का थॉट लेके। इसमें फैक्टराइजेशन का थॉट कैसे हो सकता है? एक तो ये थॉट फर्स्ट कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को फैक्टराइज करें कि एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वन स्क्वायर, ऐसे इस तरीके से सोचें। दूसरा ये हो सकता था थॉट कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को हम लोग रखें एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई एक्स माइनस। और तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट होता है इस केस में, ऐसे केसेस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। तो ये तीन तरीके हमारे पास होते हैं इसके बारे में सोचने के लिए, इस सवाल के लिए मैं थिंकिंग प्रोसेस दूं। अब मैंने सोचा कि यार इसके पास एक का क्यूब है, दूसरे का भी क्यूब है और दो चीजों का प्रोडक्ट, तो मैंने सोचा यार इसके पास हो ना हो कि एक छुपा हुआ, अगर मैं इसमें वन क्यूब दोनों साइड माइनस कर दूं और 360 बचेगा। जैसे ये देखो हमारा थॉट प्रोसेस, हम लोग को सोचना कैसे वो मैं बताता हूँ कि अगर मैं एक क्यूब माइनस कर दूं तो मेरे पास एक्स वाई प्लस 60 बचेगा। बोलो बोलो बोलो, अगर नहीं समझ में आया तो बोलो, आप आर्ग्यू कर सकते हो सर हम लोगों ने पहले वाले ऊपर वाले से तरीकों से क्यों नहीं सोचा, तो वैसे भी आप ट्राई करना एक बार सोच के, वैसे भी आप ट्राई कर। जो टेस्ट पेपर रहेगा तुम लोगों का पीआरएमओ का, उसमें क्वेश्चंस देंगे भाई डायोफेंटाइन इक्वेशंस, तो मजा आएगा सॉल्व करने, मतलब आज की क्लास करने के बाद ही तुम लोगों को लगेगा कि बहुत कुछ सीख लिया, आज की क्लास करने के बाद ही तुम लोगों को लगेगा कि बहुत कुछ सीख लिया, आज तो हम लोग सर्व ज्ञानी हो गए ऐसा लगेगा। ठीक है, ये समझ में आया। तो भाई मैंने देखा दोनों तीनों तरीके से, तीसरे तरीका मैं ट्राई कर रहा हूं, मैंने देखा यार तीसरे तरीके में मुझे चाहिए थ्री एक्स, क्योंकि कुछ भी हो एक, अगर ए को मैंने एक्स मान लिया बी को माइनस वाई मान लिया तो एक थ्री एक्स वाई तो मुझे चाहिए चाहिए, ठीक है, एक मुझे थ्री एक्स वाई तो चाहिए चाहिए। तो थ्री एक्स वाई कैसे लेके आओ, थ्री एक्स वाई कैसे लेके आओ? अब ये थ्री एक्स वाई के हिसाब से मैं सोच रहा हूं कि इसको थ्री एक्स वाई चाहिए था, वन तो मैंने इससे उधार लिया, वन तो मैंने इससे मांग इससे, तो ये यहां जाके माइनस वन है। तो यार फिर मेरे दिमाग में ये आया कि अगर इसको थ्री एक्स वाई चाहिए तो मैं क्यों ना इसमें 27 का मल्टीप्लाई करूं। अब आप बोलोगे सर आपको तो आता है,
हम लोग कैसे सोचेंगे कि 27 का मल्टीप्लाई करना है, 3 के मल्टीप्लाई से काम नहीं बन रहा था। आप देखो अच्छे से देखो, 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरे 3x³ माइनस 3y³ माइनस 3 × 1³, इसका काम तो हो जाएगा लेकिन बाकी का काम बिगड़ जाएगा, समझे? इन दोनों का काम बिगड़ जाएगा, इसका भी बिगड़ जाएगा। 9, 4, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो बाकी का काम बिगड़ जाएगा, तो इसलिए मैंने 27 से मल्टीप्लाई किया। 27 से मल्टीप्लाई करके होगा क्या? पहला वाला बन जाएगा 27x³, दूसरा वाला बन जाएगा 27y³, तीसरा वाला -27, और सामने हो जाएगा 27xy और सामने 27 × 60। अब देखो इसको लिख सकते हैं 3x का होल, दूसरे को लिख सकते हैं -3y का होल, तीसरे को लिख सकते हैं -3 का होल, और उससे इस साइड ले आओगे तो 27xy का मतलब हो जाएगा, देखो 27xy का क्या मतलब, 3x × -3y × -3, हो गया अपना, हो गया एकदम मजेदार। लेकिन ये काम बिगाड़ रहे हैं, इसका क्या किया जाए? हाँ ये 3 काम बिगाड़ रहा है, तो इसका क्या किया जाए? ये 27 में से 1 ही रहने दो, इसको लिख देते हैं -1 और -26, तो इस -26 को, इस कांस्टेंट को थमा दे, अब अपना काम हो जाए। और सामने 27 × 60 + 26 होता है, 27 × 60 + 26। देखो ध्यान से बच्चों, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो अच्छे से कि कुछ गड़बड़ कर दिए तो वो बता, कुछ अगर गड़बड़ कर दिए तो मुझे बता देना। मुझे लग रहा है कि ये सम जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सम हम लोगों का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। रुको मैं फिर से 27 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर से 27 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 27 से मल्टीप्लाई करोगे हम लोग, 27 से मल्टीप्लाई किसमें कर लेते हैं, अपनी इस इक्वेशन में कर, तो ये हो जाएगा 27x³ -27y³ = 27xy + 61 × 27, ऐसा। इसको मैंने लिख दिया 3x³ प्लस -3y³, और एक मुझे -1 लेके आना है इसके पास से, तो ये हो जाएगा -1 का³ और -3 × 3x × -3y × -1, और सामने बचेगा अपना, अगर मैं 61 × 27 में से एक माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा? 1646, तो अब देखो ये अपना हो जाएगा a³ b³ c³ -3ab c, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, इसका फैक्टराइजेशन होता है a+b+c और a² + b² + c² - ab - bc -, तो ये हो जाएगा 3x - 3y - 1 abc, ए स्क्वायर करोगे तो 9x² + 9y² +1, माइनस ए बी करोगे तो +9xy हो जाएगा, -bc करोगे तो -3y हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 3x = 1646। भाई ये समझ लो कि अभी ये इसका एक स्टेप हुआ, ये इसका एक स्टेप हुआ,
अभी इसको सॉल्व करने के लिए इसको फैक्टराइजेशन करें, इसको सॉल्व करने के लिए इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसको फैक्टराइजेशन अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 2 × 823। 823 कैसा नंबर, प्राइम या कंपोजिट? तो ये 3 से नहीं हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं हो रहा है, 11 से नहीं हो रहा है, 13 से भी नहीं हो रहा है, 17 से भी, 17 से हो रहा है क्या? नहीं, 19 से भी नहीं हो रहा है, 76 नहीं, 21, 23, 23 से हो रहा है क्या? नहीं, 25, 27, 29 से करने की जरूरत नहीं, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये दो प्राइम प्राइम है, प्राइम देख के तो हमारी आंखें चमकती हैं। तो इसके देखो बेटा प्रोडक्ट, एज अ प्रोडक्ट आप जब इसको लिखोगे तो फैक्टर्स तो इसके दो ही बन रहे हैं, फैक्टर्स तो इसके दो ही बन रहे हैं, 2 × 823 2 × 823 दो ही फैक्टर्स बन रहे हैं। तो 646 को लिखने के जो तरीके हुए, 646 को लिखने के जो तरीके हुए वो हमारे पास कितने तरीके बने, 1 × 646, 2 × 823 −1 × 646। अगर हमें इफ वी नीड इंटीग्रल सॉल्यूशंस और −2 × −8, ये अगर इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। अरे भाई साहब ये तो बहुत तगड़ा हो गया, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको छोटे नंबर को ये रखना पड़ेगा, बड़े नंबर को ये रखना पड़ेगा, क्लियरली दिखाई दे रहा है छोटे और बड़े का खेल है। और ये क्वांटिटी जो होती है, ये क्वांटिटी अपने आप में, इस क्वांटिटी के बारे में सब लोग जानते होंगे, ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। क्यों पॉजिटिव होती है इसको बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये मैं रिजेक्ट कर, इसको रिजेक्ट कर दूंगा और ये मैं रिजेक्ट। ये जानते हो ना, जिनको जिन्होंने फैक्टराइजेशन सीखा है पॉलीनोमियल्स में, उसको उनको मैं बार बार टूट टूट के सिखाता हूँ कि ये तुम्हारी क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है, इसलिए दोनों रिजेक्ट, ठीक है। तो अब आपके पास सॉल्व करने के लिए केवल यही बचा, एक बार इसको 1 रख दोगे, एक बार इसको 2 रख, एक बार इसको 1 और इसको 2 रख, ठीक है। तो भाई साहब अब मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ रही कि इसको जब आप 1 रखोगे तो भाई ये देखो साफ साफ ये भी मना कर रहा है कि इससे भी कोई आंसर नहीं मिलेगा। देखो ऐसे ही सवाल होते हैं, देखने में कठिन होते हैं, इससे भी आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं आंसर मिलेगा, समझदार आदमी बताओ, यहां से आपको कोई इंटीग्रल सॉल्यूशन क्यों मिलता है? कोई समझदार आदमी बताओ कि यहां से इससे आपको इंटीग्रल सॉल्यूशन क्यों नहीं मिलेगा, व्हाई इट विल नॉट गिव अ इंटीग्रल सॉल्यूशन? कोई समझदार आदमी बताओ, कोई समझदार आदमी बताओ, क्योंकि लेफ्ट साइड जो है ना वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 है। देखो इसमें से 3 और 3 कॉमन आ रहा है, यानी लेफ्ट साइड मल्टीपल ऑफ 3 है, राइट साइड नहीं है, तो इससे भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखो यार जो सवाल हमें बहुत टफ दिख रहा था ना, अब सामने जाके एकदम सुस्त सा पड़ गया। जब आप सवाल सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हो ना, सवाल की हवा निकलना स्टार्ट हो जाती है। अब हमारे पास केवल ये बचा कि 3x − 3y − 1 को 2 रखेंगे तो यहां से x − y आ जाएगा 1, इसको भेजोगे सामने 3 हो जाएगा। तो आप x को रख सकते हो y + 1 इसमें, यहां पे और यहां पे और यहां पे। तो x को जब y + 1 रखोगे तो ये बन जाएगा 9y + 1 का होल स्क्वायर, 9y²
प्लस वन प्लस नाइन टाइम्स ऑफ वाई प्लस वन इंटू वाई माइनस थ्री वाई प्लस थ्री इंटू नाइन इंटू वाई प्लस वन इक्वल्स टू 820। ये अब आपके पास सिंपल एक वाई में क्वाड्रेटिक बनी। देखो बहुत ही अच्छे से देखो, ये सिंपल वाई में क्वाड्रेटिक बनी और इसको बच्चा बच्चा सॉल्व कर सकता है, हर बच्चा सॉल्व कर सकता है। तो जो सवाल हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे, जो सवाल हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे कि इतना टफ हो रहा है, वो वहां पे जाके ये वाई में क्वाड्रेटिक बन रही है, इसको सब लोग सॉल्व कर सकते हैं। और वाई की जो दो वैल्यूज आएंगे उसको यहाँ पे रख के देखेंगे कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, उसके हिसाब से आंसर बन जाएगा। आया समझ में? आया बच्चा लोग समझ में? आया बच्चा लोग समझ में? तो थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि यार क्या होता है यार ये सब PRMO IMO ये सब होता क्या है। समझ में आया? अरे मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, ये सवाल आया था रशियन मैथमेटिक ओलंपियाड। ये क्वेश्चन है रशियन मैथमेटिक, जैसे इंडिया का IMO होता है वैसे ही रशियन रशिया का रशियन मैथमेटिक ओलंपियाड। ठीक है, तो भाई मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को जो बहुत ज्यादा हो गया है, आप वाई निकालना सॉल्व करना उसको रख के एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो बार बार आगे पीछे करके देखते रहना, एक एक सवाल को समझना, क्योंकि ये टॉपिक है बहुत अच्छा। अगर समझ ले, समझने में क्या है, एलजेब्रा ही तो है, एलजेब्रा ही तो है, समझने में कुछ नहीं है, एलजेब्रा ही। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से देखना, कुछ सवाल मैं तुम लोगों को ग्रुप में दे दूंगा। ठीक है, कुछ सवाल ग्रुप में दे दूंगा, तो प्रैक्टिस करते रहो। चलो।